इस नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा डीसी सीरीज मोटर हिटैची अब पिनियन कैसे फिट करता हूँ, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये पिनियन है, एक तरह से आप गियर भी कह सकते हैं, ये इंटैक्ट रहता है व्हील के गियर के साथ, और जब मोटर रोटेट करता है तो इसी पिनियन के कारण व्हील भी रोटेट करता है। तो इसकी सेफ्टी और इंटैक्टनेस पूरी अच्छी तरह से चेक करते हैं। इसका देखिए, पहले सबसे पहले एमपीटी कराया गया है, प्रत्येक टीथ का एमपीटी किया गया, कोई क्रैकनेस है या नहीं, के वैल्यू चेक करी जाएगी, इसकी पी वैल्यू लिया जाएगा, पार्टिकुलर टीथ का डिजाइन एज पर द ड्रॉइंग है या नहीं, या कोई उसमें त्रुटि है, सब चेक है ताकि ये कोई फेलियर ना दे सर्विस में। अब देखिए, ये शाफ्ट है आर्मेचर का, इस पे बेडिंग पेस्ट लगा दिया है और पिनियन के अंदर भी वाइट बेडिंग पेस्ट लगाया गया है, और दोनों को हल्का हल्का इसमें हल्की उससे पिनियन लगा दी जाएगी और फिर हल्का रोटेट किया जाएगा ताकि कोई भी बर वगैरह दोनों में वो पूरी तरह क्लीन हो जाए, कुछ भी नहीं, एकदम सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए, जिससे जब फिटिंग फिटिंग इसका किया जाए पिनियन का तो प्रॉपर इंटरफेरेंस आए और इसे पूरी तरह जाके बैठे, निकालते समय भी दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, इसका बेडिंग पर लगा के आर्मेचर मूव किया जा रहा है ताकि पूरा जितने बर वगैरह दोनों पिनियन और आर्मेचर साफ हो, पूरी तरह क्लीन हो जाए। इसका फायदा ये होगा, एक तो जब हिट सिंक फिट करेंगे तो इंटैक्ट पूरा होगा, और जब कोई पिनियन निकालना होगा इजी टू मूव होगा। ये देखिए, पूरी तरह रोटेट कर रहा है, तो बैडिंग पे इसमें ये 10 मिनट तक करते हैं, धीरे 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 फिर उसका इसको निकाल कर पूरी तरह से साफ करेंगे पिनियन को भी और साफ को भी। कैसे कैसे ये करते हैं, ग्लास इसके एक्सपर्ट हैं, अभी दिखाएंगे ना आपके साथ वो। हाँ, पूरी तरह बाइंडिंग पेस्ट से सफाई हो रही है, बेडिंग पेस्ट से सॉरी। पूरा स्मूथ किया जाएगा इसको, देखिए बेडिंग हो गया, बेडिंग पाउडर से पूरी तरह क्लीन कर लिया गया है। बेडिंग पाउडर होता क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सरफेस के अंदर से आप उसका फेस वॉश बोल सकते हैं, ये पूरी तरह क्लीन कर देता है साफ को। ये देखिए, दोनों तरफ पूरी क्लीन हो गया। अब देखिए, पिनियन साफ का, पिनियन और साफ का ब्लू प्रिंट लेंगे। अब ब्लू प्रिंट क्या होता है, इस पूरे एरिया पर एक ब्लू लेप लगा देते हैं और उसका पिनियन साफ के अंदर लगाते हैं ताकि इससे पता चलता है पिनियन कितना इंटैक्ट साफ के साथ कर रहा है और कितना एरिया पे अपना उसकी ग्रिपिंग है ताकि वो लोड ले सके। देखिए, पूरी अच्छी तरह से इस पर ब्लू इंक लगा दिया गया है और टेप चिपकाया गया है। ये देखिए, टेप है, चारों तरफ टेप अच्छी से चिपकाया जाएगा और फिर से इसमें पिनियन लगाया जाएगा और लगाकर निकाल लिया जाएगा ताकि इससे पता चले पिनियन कितना ग्रिप साफ में बना रहा है, और इसको रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाएगा कि कभी फेल हुआ तो चेक किया जाएगा गलती कोई थी कि नहीं। ठीक, ये ब्लू प्रिंट आ गया और इसमें वो सभी एरिया जहाँ पे पिनियन इंटैक्ट कुछ साफ, ये 95 से अबव होना चाहिए। ठीक, ये दिखा रहे हैं पूरी, ये तो 98 के थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का इंटरेस्ट नहीं है, पूरी इंटैक्ट है और ये हर का निकाल के रिकॉर्ड के तौर पर रखिए, मोटर नंबर के साथ लिख दिया जाएगा। देखिए यहाँ रिकॉर्ड पे, और ये देखिए चिपका के रिकॉर्ड के तौर पे रख लिया गया है पिनियन कितना देर तक
ट्रेवल कर रहा है शाफ्ट पे, और ये देखिए ये डिस्टेंस डेप्थ गेज के द्वारा लिया गया, कुल एडवांस, इसको एडवांस बोलते हैं, कुल एडवांस, कुल ऑन एडवांस, मतलब ठंडे में कितना जा रहा है पिनियन शाफ्ट के ऊपर। अब इसको क्या कहेंगे, हीट करेंगे 120 डिग्री पे इंडक्शन हीटर के द्वारा, और उसके बाद वो कितना अंदर ट्रेवल किया ये चेक करेंगे, उसको माइनस कर देंगे दोनों में, और कितना टोटल एडवांस हुआ ये देखिए इंडक्शन हीटर द्वारा 120 डिग्री हीटर प्रेशर पे इसको गर्म करते हैं, लेकिन ये टाइम है 9 मिनट में यह 120 डिग्री हीट अचीव कर लेता है, तो टाइम फिक्स कर दिया गया 9 मिनट 16 फीट का ओपिनियन है इसका, पहले डिजाइन टाइम में 9 मिनट, देखिए टाइम डिक्रीज होते जाएगा और 9 मिनट में 120 डिग्री होगा। उसके बाद इसको डीमैग्नेटाइज भी करेंगे, इंडक्शन में क्या मैग्नेटाइजर हो गया तो फिर डीमैग्नेटाइज भी करना है, नहीं तो उससे क्या होगा कोई बर वगैरह इसमें मैग्नेटाइज होने के कारण चिपक जाएगा, बाद में यह फेलियर कॉज करेगा। ये सब चेक करते हैं इसके बाद, ये मैग्नेटाइज हो गया, फिर जब बंद करेंगे ये पिन लगा के चेक किया गया, देखिए इंजन पूरी तरह मैग्नेटाइज है ठीक, और जब इसको पूरा हीट हो जाएगा इसको फिर से देखेंगे डिमैग्नेटाइज हो रहा है या नहीं ठीक, या चेक करते हैं फिटिंग, पिनियन को फिट कर दिया गया है। अब देखिए कितना देखिए इसकी रेटिंग है 131, उस समय 350 था, 131 हुआ। जो आफ्टर द हीटिंग जो पिनियन है इसने शाफ्ट ट्रेवल किया 1.98 mm जो सही अपने रेंज में है, और यह पूरी तरह पिनियन सर्विस के लिए तैयार है। अगर वीडियो और कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।